नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। बरसात का मौसम अमूमन सबको पसंद होता है और पहले इस मौसम का सब लोग आनंद भी लेते हैं, पर बढ़ते शहरीकरण, खराब खान पान और गंदगी के चलते ये बरसात का मौसम मानव जीवन के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है। और अब हर बरसात में संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां स्वास्थ्य व्यवस्था का जमकर इम्तिहान लेती हैं। पर अगर तैयारी पहले से हो और पूरी तरह से हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात लखनऊ की करेंगे तो लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल की गंभीर कार्यशैली और तैयारी के कारण आपको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। संक्रामक रोगों से पहले की तैयारी को लेकर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने सीएमओ लखनऊ डॉक्टर मनोज अग्रवाल से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ की स्वास्थ्य सेवाओं का दारोमदार लखनऊ सीएमओ के ऊपर कार्यशैली बेहतर और मुहिम के माध्यम से तमाम जो संघर्ष हैं वो पार किए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर करते नजर आ रहे हैं। और चूंकि समय होता है संक्रामक बीमारियों का, उसकी तैयारी कैसे करनी है और जनता को बचाना कैसे है और समाधान कैसे करना है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। वर्षा ऋतु आ चुकी है और उसके बाद दौर शुरू होगा बीमारियों का। तैयारी क्या है और समाधान कैसे करेंगे, इस बार कुछ अलग करने की क्या योजना है वो भी जानेंगे। कैसे देखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, एक महीने बाद में ख्याल से संक्रामक बीमारी का दौर शुरू हो जाता है, कुछ बचाव के इंतजाम किए हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। देखिए, बरसात के साथ ही संक्रमण काल शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले तो जल जनित बीमारियां जो खाने से और दूषित पानी से होती हैं वो फैलती हैं, और पिछले कई वर्षों का यही पैटर्न रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि शासन प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के आपस के सहयोग से पिछले वर्षों की तरह इस बार भी हम लोग किसी भी बीमारी को पनपने नहीं देंगे। अभी हमारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, जिसमें दस्तक अभियान उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हर घर में हमारी आशाएं और ANMs और चिकित्सक जा रहे हैं और हर जगह उनको संक्रामक रोगों के लिए और मच्छर जनित रोगों के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस वक्त जो जल जनित बीमारियां हैं उसके कुछ केसेस लखनऊ में दिख रहे हैं, लेकिन लखनऊ का जो रिस्पांस टाइम है वो इतना शॉर्ट है और इतना अच्छा है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलने के 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं, रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, वो वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ कार्रवाई शुरू कर देती है। इसलिए कोई भी बड़ा से बड़ा अगर आउटब्रेक होता है तो वो भी हम लोग एक से डेढ़ दिन में उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग स्कूलों के माध्यम से, पंचायती इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, माध्यमिक टीचर्स के माध्यम से, ICDS के माध्यम से, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके टीचर्स हैं, वो सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अपने घर को, सिर्फ अपने घर की मैं बात कर रहा हूँ, अपने घर को संक्रामक रोगों से और मच्छर जनित बीमारियों से बचाया जाए। अगर हमारे जनपद के 90% घर वाले इस तरह से जागरूक हो जाएंगे तो पूरा जनपद जो है वो जागरूक है। और वैसे भी हम लोग संक्रामक रोग नियंत्रण करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा जनपद है जिसमें 10 से 12 जनपदों के मरीज आते हैं किसी भी आउटब्रेक की स्थिति में, तो हमारा तंत्र उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है हॉस्पिटल्स का, जिसमें हमारे हेल्थ सब सेंटर्स हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, PHCs हैं अर्बन और रूरल बहुत बड़ी मात्रा में, CHCs हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और 3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हर स्तर की चिकित्सा सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र सिस्टम जो है बिल्कुल स्मूथ है। तो अगर आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर से किसी मरीज को जिला अस्पताल भेजना है तो स्मूथली वो ट्रांसफ़र होता है। बहुत बड़ा एम्बुलेंसेज का नेटवर्क है और हर तरह की एडवांस सुविधाएँ सरकार मुफ्त में दे रही है। तो इसलिए दोनों तरह की बीमारियां, चाहे वो जल जनित हो चाहे वो मच्छर जनित हो, उनके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और वैसे भी हर वक्त लखनऊ में किसी भी सीज़न में हमारे पास इस तरह की आउटब्रेक्स के लिए, बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में 40-40 बेड और छोटे हॉस्पिटल्स में 5-5 बेड पूरी तरह रिजर्व रहते हैं और उनकी दवाओं की कंप्लीट सप्लाई है, पूरी सप्लाई है, जिससे किसी भी स्थिति में, चाहे रात को 12 बज रहे हों चाहे सुबह के 10 बज रहे हों, किसी मरीज को दवाओं से और बेहतर इलाज से वंचित न रहना पड़े।
एक सवाल और भी है, क्योंकि आपने देखा पहले भी इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी, डेंगू चलन हुआ, फिर चिकनगुनिया चलन आया, क्या मानते हैं कि जो संस्कृति बदल रही है, खान पान बदल रहा है, उसके कारण ये बीमारियाँ हो रही, क्योंकि पहले भी हम छोटे रहे तो बीमारी से सामना नहीं हुआ है, वायरल होते थे, बुखार आता था, पर इस तरह की बीमारियाँ नहीं होती थी, क्या कारण है इसका? सर देखिए, ऐसा है कि बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, और शहरीकरण की वजह से बहुत बड़ा एरिया जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का था, वो शहरों में तब्दील हो रहा है, और उसमें अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट थोड़ा सा देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर महानगरों की तरफ आ रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में ये रिस्क बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं, इसीलिए हम उनको स्लम्स बोलते हैं, जिनको लगातार सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन वो स्लम्स की जो परिस्थितियाँ बनती हैं तो उनके अंदर पानी भी इकट्ठा होता है, पानी की सप्लाई भी कभी कभी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, खाना पुराना लोग खा लेते हैं, दूषित खाना खा लेते हैं, तो वो एक तो ये एरिया जो शहर के बाहर के जो न्यू अर्बनाइज एरियाज़ हैं उनमें हमारा रिस्क का जो परसेंटेज है हमेशा बढ़ा रहता है, और दूसरे जो अर्बन स्लम्स हैं जहाँ शहरों के बीच में लोग स्लम्स में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार का अथक प्रयास है, और बहुत बड़ी मात्रा में स्लम्स को अब डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो एट रिस्क है, तो उसके लिए हमारी अलग से रणनीति, हमारा अर्बन हेल्थ कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं के लिए है, जिसमें अर्बन PHC सिर्फ स्लम्स में हम लोग खोल रहे हैं, जिससे आदमी को अपने द्वार पे इलाज मिल सके और उसे कहीं दूर न जाना पड़े। वेलनेस सेंटर की क्या भूमिका रह रही है फिलहाल? वेलनेस सेंटर ही हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, लखनऊ जनपद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि एक पूर्णतया प्रशिक्षित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के द्वारा रन किया जा रहा है, और अर्बन PHCs बहुत बड़ी मात्रा में, प्लस अर्बन CHCs 10 हमारी, ये सब मिलके पूरा एक ऐसा नेटवर्क बनाए हुए हैं जिसमें क्रॉस रेफरल में कोई दिक्कत ना हो और हर जगह पे दवाएं मिल जाएंगी। मगर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो वेलनेस सेंटर आप जिनको कह रहे हैं, उनमें हम 16 तरह की जाँचें मुफ्त कर रहे हैं, हर तरह की दवाएं मुफ्त दे रहे हैं, इवन हम लोग उसमें कैंसर जैसी बीमारियों का भी डिटेक्शन करके उसका रेफरल करवा रहे हैं, TB का डिटेक्शन वहाँ हो रहा है, तो एक तरह से वो छोटी छोटे स्लम्स के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट है, इंक्लूडिंग जांच, तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में। उसके अलावा टेली कंसल्टेशन बड़ी भारी मात्रा में हो रहा है, अगर आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाते हैं किसी बीमारी के बारे में हमारी CHO अपने आप को थोड़ा सा भी अक्षम पाती है तो तत्काल स्पेशलिस्ट से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से कंप्यूटराइज कंसल्टेशन होता है और उसका पर्चा भी कंप्यूटराइज तौर पर निकल के कंप्यूटर से उसको दे दिया जाता है मरीज़ को कि ये दवाएं करें और उसके बाद इस स्तर के अस्पताल में दिखा लें। तो अगर सबसे नीचे के पायदान के भी के हेल्थ सेंटर में भी कंसल्टेशन टॉप लेवल से हम लोग दिलवा रहे हैं तो कोई भी आदमी किसी भी तरह से अच्छी चिकित्सकीय राय से वंचित नहीं है। सिर्फ अपील ये है कि इतना बड़ा सरकार का मुफ्त स्वास्थ्य नेटवर्क होने के बावजूद भी कुछ लोग अप्रशिक्षित डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, ये ना करें, घर पे अपना स्वयं इलाज ना करें, कोई भी सिम्टम आता है छोटे से छोटा तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में चले जाएं, आपको रेफरल की पूरी सुविधा मिलेगी, दवाएं मिलेंगी, जांचें मिलेंगी और आपका प्रॉपर इलाज होगा। तो ये था हमारे साथ लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल, इनका कहना है कि व्यवस्था के साथ हम जा रहे हैं और यहाँ पर निचले पायदान तक पर सारी सुविधाएँ मुहैया है, चाहे जांच की बात करें, दवाई की बात करें और चाहे कंसल्टेशन की बात करें। रोगों से लड़ने की शुरुआत हमेशा से व्यवस्थाओं से होती है और यहाँ पर CMO लखनऊ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को बचाने का काम लगातार करते चले आ रहे हैं। आने वाले समय में और व्यवस्था देखने मिलेगी और नीति के साथ जब यहाँ पर काम होता है तो कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक आते हैं। जहाँ नियर बेहतर होती है वहाँ पर पॉजिटिवनेस आती है और वहाँ पर रोकधाम भी होती है रोगों के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति, जिम्मेदारों के प्रति। क्या पसंद दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सिंह भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें C News भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।